हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह का वेंटिलेशन कैसे बनाया जाता है और इस तरह के वेंटिलेशन पर कितना खर्चा आ जाएगा और कितना बढ़िया रहेगा ये, तो कितना टाइम लगता है इसको बनाने के लिए, कितनी फाइबर लगती है, कितना लोहा लगता है, ये सभी चीज़ें आज हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल वेल्डो प्लास्टर। इस तरह का वेंटिलेशन बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें का होना आवश्यक है, जैसे कि मैंने इसमें 1x1 का 45 फीट पाइप लगाया है, 6 L कुंडे लगाए हैं, 6 फास्टनर लगाए हैं M10 वाले, और 7x4 की फाइबर लगाई है, वो भी पॉलीकार्बोनेट की, क्योंकि प्रकाश बना रहता है वेंटिलेशन में, क्योंकि हमें जहाँ जाल लगा होता है वहाँ चारों तरफ से अंधेरा होता है, तो कहीं ना कहीं से प्रकाश की आना चाहिए, तो वहाँ से प्रकाश अच्छी तरह से आए इसके लिए हमें ट्रांसपेरेंट टाइप से दूधिया से फाइबर लगाई है हमने यहाँ, बिल्कुल वाइट भी फाइबर नहीं लगाई, जो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है वो फाइबर नहीं लगाई, थोड़ी दूधिया से, यानी कि हल्का प्रकाश वहाँ से आता रहे और बारिश से भी बचा जा सके। और उसके बाद हमने इसमें 2 कब्जे लगाए हैं और 2 कब्जे हमने एक्स्ट्रा भी लगाए हैं जो मैंने इस पर्ची में नहीं लिखे हैं, और 50 स्क्रू लगाए हैं 0.75 mm के, इंच के। पहले हम इसका एक चोकटा बना लेंगे, जितने बाई जितने की इसकी रेशो है उतना एक पूरा चोकटा। इसके अंदर मैंने 2 T बनाए हैं और टी को जाल के ऊपर ही वेल्ड कर दिया है, और जो टी है उसके ऊपर ही मैंने कब्जे लगा दिए हैं, क्योंकि इसकी सपोर्ट भी देनी पड़ेगी, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसकी बराबर से छोटी ही सपोर्ट दी है, जिससे कि ये आगे पीछे ना हिले, क्योंकि वेल्ड है तो ये भी मजबूत, पर फिर भी एक सपोर्ट और क्रॉस दे दी जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, तो मैंने इसके क्रॉस भी दी हुई है, वो आने वाली आगे आपको दिखाऊंगा। इस तरह चोकटा बना लेंगे जिसके मैंने 6 खाने बनाई हैं और 7x5 के फाइबर है, ये 7x4 की फाइबर है, स्टैंडर्ड साइज यही आता है 4 फुट का चौड़ा, और लंबाई कितनी भी ले सकते हैं हम। एक तरफ मैंने 7 फीट से 4 इंच कम लिया है और दूसरी तरफ मैंने 4 फीट से 4 इंच कम लिया है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बना के तैयार कर दिया है, दोनों तरफ से वेल्ड कर दी है। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत है, अच्छा भी है, ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा भी नहीं आया, और पानी का ढलान सामने की तरफ किया है, और साथ में मैंने 2 इसके L लगाए हैं जो कि मूव हो सकते हैं, यानी किसी को लगे नहीं। हाँ, मैंने दो आपको 2 कब्जे का जिक्र किया था, ऊपर मैंने 2 कब्जे लगाए हैं छोटे 1.5 इंची वाले, 1.5 सवा इंची वाले, और नीचे इसके यहाँ नट फास्टनर लग जाएंगे, और फास्टनर खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं, जब भी हम खोलना चाहें खोल सकते हैं, बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं। एक बार और आपको दिखाते हैं, और पीछे देखो, आपको कह रहा था मैं टी के नीचे सपोर्ट लगानी है, एक सपोर्ट दोनों साइड से लगा दी जिससे कि ये मजबूत बना रहे, और पिछली साइड से मैंने काबली लगाए हैं 1 फिट के 4 सूत वाले जो कि ऊपर से बंद हो जाते हैं इसके, देख सकते हैं काबला लगाया जो बराबर में एल कुंडा लगा हुआ है, और एल कुंडे के अंदर वो नट बोल्ट अंदर चला जाता है और टाइट हो जाता है वहाँ से, तो दोनों साइड मैंने इसी तरह से लगाए हैं कि मजबूती बनी रहे और हिले डुले नहीं। अब हम आपको इसकी कॉस्ट बता देते हैं, कितनी कॉस्ट लगी है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर 2022 में, और जैसे कि आज का प्राइस है यहाँ लोहे का कैथल में, हरियाणा के कैथल में 69 पर केजी, जो कंपनी वाला पाइप है,
और लोकल पाइप 62-63 के आसपास है। आप कोई सा भी लगा सकते हैं, बाकी कंपनी वाला बढ़िया होता है, अच्छा होता है। मैंने इसमें 8 किलो वाला पाइप लगाया है 45 फुट। तो 8 किलो वाला पाइप लगाया 45 फुट, तो इस 6 एलकुंडे, 6 फास्टनर, 7 चेयर के फाइबर और 2 कब्जे, 4 स्क्रू। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ। तकरीबन 17-18 किलो पाइप हो चुका है, जैसे कि 1300 रुपये का आपका पाइप हो चुका है, और 120 रुपये के आपके एलकुंडे और फासनर हो चुके हैं 1400 रुपये, और 7 चेयर के जो फाइबर हैं ये 35 रुपये करीब आती हैं, जो पॉलीकार्बोनेट की हैं। तकरीबन 1000 रुपये की ये फाइबर हो गई आपके। आइडिया अप्रोक्स पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा मैं, 10-20 ऊपर नीचे चल जाता है, वो आप बाद में हिसाब लगा सकते हैं। तो 1400 रुपये और 1024 रुपये और स्क्रू 100 रुपये की, ये चीज़ें आ जाएंगी आपके 2500 रुपये। 2500 रुपये का आपका टोटल इसमें माल लग जाता है, और 1000 रुपये इसकी लेबर बनती है। टोटल आपको 7x4 का वेंटिलेशन 3500 रुपये में तैयार होकर बन जाता है। आप इसके स्क्वेयर फिट भी निकाल सकते हैं, या आप इसी के हिसाब से, जैसे कि 28 फुट हो गया, 30 फुट हो गया, 30 फुट आपका 3500 रुपये में बन गया, तो एवरेज लगा सकते हो आप। तकरीबन तकरीबन 110 रुपये, 120 रुपये के आसपास, स्क्वेयर फिट के आसपास आपका ये टोटल बन जाएगा। अगर आपको बाद में कहीं भी बनवाना है तो आप इसका हिसाब लगा सकते हैं, 110 से 120 रुपये स्क्वेयर फिट में लेवर समेत बन जाएगा। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करते रहें, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।